इसका काम चालू नहीं हुआ तो तीनों चारों रोड बंद करा दूंगा मैं और मुकाला करूंगा तुम्हारा तैयार ना जा। मेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरा मेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरा मेडिकल कॉलेज रूबी सिटी स्कैन के ऊपर। जरा रुक जाओ भैया, आज यहाँ पर काबूद रहो बरोज भूत। दोपहर में हम लोगों ने यहाँ पे 3 बजे धरना दिए और कॉरपोरेशन और पुलिस महकमा को हम लोगों ने बाकायदा परमिशन निकाल के इंटरमिशन दे के हम लोगों ने इस रोड के ऊपर आज हमारा एहतजाज किया। अभी काफ़ी लोगों ने यहाँ बताया, मौलाना अनीस अय्यर साहब ने बताया और काफ़ी लोगों ने बताया कि इस रोड के ताल्लुक से मैं मेरे बचपने से शायद मैं देखते आ रहा हूँ कि इस रोड समझता हूँ मैं एक या दो मरतबा काफ़ी किसी के वक्त में बना हूँगा। हो सकता शेख रशीद साहब ने बनाया हो या हमारे न्याल साहब ने बनाया हो और मेरे बचपने से मैं ये चीज़ सुनते आ रहा हूँ कि फतेह मैदान चौक इसे कहा जाता। और जब किसी सियासी पार्टी का अगर इस रोड के ऊपर अगर जलसा रहता तो सुलेमानी मस्जिद तक का कर दी जाती, कहीं तक ऐसा देखा कि हमीदिया मस्जिद बड़ा कब्रस्तान तक भी गर्दी पहुंच जाती। और इस शहर के जो आज के जो MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इसी नयापुरे के अंदर इसी इलाके के अंदर रहते, तो मैं समझता हूं मालेगांव की सबसे बेहतर रोड यही होना चाहिए थी। आज अगर मेरे उल्टे हाथ को देखिए तो एक मरकज महाराष्ट्र के अंदर माना जाता जिसे नूरानी मस्जिद कहा जाता और अपने शहर की एक पहली मस्जिद मेरे बिल्कुल पीछे बाजू साई मस्जिद। और आज इस रोड की हालत और ये नूरानी मस्जिद की रोड की हालत ऐसी है, ऐसा लगता है कि मैं ग्रामीण भाग में चला गया हूं। मैं इसे रमजानपुरा दयाना पवारवाड़ी के हिस्से में आ गया हूं। मैं जब आप लोग यहाँ के रहने वाले जितने भी अगर मेरी आवाज जा रही और इस जितने भी चैनल वाले हैं अगर उनके जरिए अगर मेरी आवाज अगर कहीं तक अगर जा रही है तो शहर की आवाम ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से सवाल करना चाहिए क्या मुफ्ती साहब हम लोगों ने आपको वोट दिया, इस इलाके की इस गली की रोड क्यों नहीं बन रही? जबकि सुलेमानी मस्जिद से फतेह मैदान और फतेह मैदान से लेके बिक्कू चौक ये बाकायदा रोड मंजूर शुदा है जिसका टेंडर हो चुका। गवांदे साहब चल बात है ना, गवांदे साहब का है तो बाकायदा मंजूर शुदा रोड है ये रोड मंजूर है साहब, ये रोड मंजूर है ना, तो क्यों नहीं चालू कर रहे रोड का काम? तो कब करेंगे? अरे तो पूरा करो ना, तो मशीन ठेकेदार के पास इतने 500 करोड़ का ठेका तो एक ही मशीन है तो उसके लिए बुलाए, उसको बुलाए अभी बुलाए कब बुलाए अभी बुलाया मेरे इधर कब आ रहा चौक में क्या मशीन लेकर आ रहा? खुद आ रहा खुद आ रहा था। काम करो यकीन मानो मानो तुम्हारे इलाके में जाओ तो एक गली की रोड खराब दिखती नहीं। हाँ असल में हमारा आमदार भी यहाँ का जो आमदार है ना हमारे गाँव का वहाँ भले ही हिंद चला रहा हो अभी हाँ असल में बोलने वाला कोई नहीं, हमारे MLA साहब को बोलने वाला कोई नहीं,
हम मुसलमान उनकी इज्जत करते काम करेंगे। मुफ्ती साहब आपका काम नहीं है लिटरी करने का तो आस्तीन ऊपर करना पड़ता, ऐसे वाले बोलो को बोलना पड़ता, ऐसे लोग को सिखाना पड़ता। हाँ, ये आपके बस की बात नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, इस रोडो का काम कब से मंजूर हो चुका है, आप क्या कर रहे हो? क्या आपको आपका कमीशन नहीं मिला, इसके वजह से रुका है क्या? मेरा सवाल है कि अगर आपको इसका आपको अगर कमीशन नहीं मिला होगा, इसके वजह से कहीं ना कहीं तक ये रोड का काम, ये पूरे शहर के रोड के काम रुके हुए। और बवंदे साहब मैं बता दे रहा, ये मेरा मेरा पहले धरना था, मैं इसके लिए सिर्फ तुमको मैं वार्निंग दे रहा, अगर पीर के दिन से अगर इसका काम चालू नहीं हुआ तो तीनों चारों रोड बंद करा दूंगा मैं, और मुकाबला करूंगा तुम्हारे तैयार ना जा काला करूंगा मैं। हाँ, मुंह काला करके चप्पल धार पिना के मैं घुमाऊंगा तुमको, मैं बता दे रहा तुमको, मैं काम चालू हो जाना चाहिए पीर के दिन से, यहाँ से लेके वहां तक का पूरा। हाँ, तुमको असल में लोग छूट दे देना है तो तुम ज्यादा मार जा रहे, नदी के उस पार जाके देखेंगे अगर तो एक गली का रोड भी बाकी नहीं है, पूरे रोड बन गए, सिर्फ अपना मालेगांव शहर खड्डे के अंदर ही जाता जा रहा। यहाँ मालेगांव शहर के अंदर जाओ, वहाँ खड्डे अभी यहाँ इतने पैसे में कई लोगों के मेरे खुद के दिल के हड्डी के ऑपरेशन हो चुके हैं। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है और आपसे भी गवंदे साहब, पीर के दिन से काम चालू हो जाना चाहिए, मैं एक बार फिर वार्निंग दे रहा है ना, पीर के दिन से काम चालू हो जाएगा ना, कब चालू करेंगे अंडरग्राउंड? अभी लेवल लेके तो आज से चालू कर रहे हैं, कल से पीर के दिन से काम चालू करते ना। यहाँ पे जितने भी आए हुए लोग धरने में, मैं तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ के लोगों को मेरी तकलीफ देने की कोई यानी वो नहीं थी, लेकिन इस रोड का काम नहीं चालू हो रहा, इसके लिए हमको धरना आंदोलन करा, सबके शुक्रिया के साथ अस्सलाम वालेकुम।